हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको लहंगे के लिए ये डिजाइनर ब्लाउज बनाना बताएंगे। तो हमने ये अस्तर लिया है और ये ब्लाउज पीस लिया है। सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, तो इसे हम डबल फोल्ड में रख लेंगे। अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तैयार लेंथ हमें 13 इंच चाहिए, तो हम 14 इंच लेंगे। शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, आर्म होल लेंगे 5.5 इंच, चेस्ट हमारा 34 इंच, तो इसका फोर्थ पार्ट लेंगे 8.5 इंच और 2 इंच मार्जिन। इसके बाद हम आर्म होल पर 1.5 इंच की गोलाई देंगे। कमर है हमारी 28 इंच, तो इसका फोर्थ पार्ट लेंगे 7 इंच और 1 इंच टक्स के लिए 2 इंच मार्जिन और इसे कटिंग कर लेंगे। तो हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो लेंथ 14 इंच लेंगे, शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, आर्म होल 5.5 इंच, चेस्ट 8.5 इंच और 2 इंच मार्जिन, कमर 7 इंच, 2 इंच टक्स के लिए लेंगे और 2 इंच मार्जिन लेंगे। आर्म होल पर 1 इंच की गोलाई देंगे और इसे कटिंग कर लेंगे। तो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है, अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ से 8 इंच और यहाँ से 9 इंच कपड़ा लिया है डबल में, और इसे हम इस तरीके से डबल कर देंगे, तो ये हमारी दोनों स्लीव्स निकल जाएंगी। स्लीव्स की तैयार लेंथ हमें 3 इंच चाहिए, तो हम 4 इंच लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलने के लिए। यहाँ से स्लीव्स बॉटम लेंगे 6 इंच और 2 इंच मार्जिन लेंगे। यहाँ से हम 2 इंच की गहराई लेंगे और इस तरह से मिलाकर गोलाई दे देंगे और कटिंग कर लेंगे। सारे पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है, अब इसे मेन कपड़े पर कटिंग कर लेंगे। तो हमने मेन फैब्रिक भी कटिंग कर लिया है। सबसे पहले हम स्लीव्स रेडी करेंगे। अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों की सीधी साइड को अंदर की तरफ रखेंगे और सिलाई लगाकर पलट देंगे और ये वाली लेस लगा देंगे इस तरीके से। हमने दोनों स्लीव्स रेडी कर ली हैं। अब हम बैक का पार्ट रेडी करेंगे। तो इस तरीके से अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को साथ में रख लेंगे, और इसका नेक बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो हम इसे थोड़ा कंट्रोल में बनाएंगे। नेक विड्थ लेंगे हम 3.5 इंच और नेक की लेंथ 9 इंच लेंगे, और इस तरीके से राउंड शेप देंगे और कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों की सीधी साइड को अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई हम नीचे की तरफ लगा लेंगे और दूसरी सिलाई हम यहाँ पर नेक की गोलाई में लगाएंगे। तो हमने सिलाई लगा ली है, अब इसमें कट्स लगा लेंगे जिससे ये पलट जाए आसानी से, और इसके बाद इसे इस तरीके से पलट देंगे। और इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे।
फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है, इसे इस तरीके से डबल फोल्ड में करेंगे और यहाँ बीच में से कट कर देंगे और अब एक पार्ट लेंगे और इसमें कांच की पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह हमने अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों की पट्टी कट की है लगभग 3 इंच चौड़ी। इसे ऊपर से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और इस तरीके से जॉइंट कर देंगे सीधी सिलाई से और नीचे से भी इसे 1/2 इंच फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ। अब इसे इस तरीके से ओपन कर लेंगे और ये हमारी पट्टी थोड़ी बड़ी हुई होगी तो इसे इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। तो हमने कांच की पट्टी बना ली है, अब हम दूसरे पार्ट में हुक की पट्टी लगाएंगे। तो हमने ये अस्तर की पट्टी कट की है 3 इंच चौड़ी, इसे सीधी सिलाई से जोड़ लेंगे, ऊपर और नीचे 1/2 इंच फोल्ड कर देंगे और इस पट्टी को पलट कर पूरी अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। और इस पर 2 सिलाई लगाएंगे और इसके बाद हमारा ये बैक का पार्ट रेडी हो जाएगा। तो अब हम फ्रंट का पार्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ से हमने अस्तर और मेन फैब्रिक को साथ में रख लिया है और नेक विड्थ ली है 3.5 इंच, नेक की लेंथ ली है 7 इंच और इसे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक को हटा देंगे और अस्तर के पार्ट में टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से 3.5 इंच दूर और ऊपर से 9.5 इंच पर ये निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। ये हमारा 1 टक्स ब्लाउज है और दूसरी तरफ भी ये निशान लगा लेंगे और टक्स के लिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो दोनों तरफ से 1-1 इंच कपड़े को दबाएंगे। तो हमने दोनों टक्स डाल ली है, अब हम इसमें पैड अटैच करेंगे। इस तरह इसका मिडिल सेंटर निकालेंगे और टक्स पॉइंट पर रखकर पिन लगा देंगे। इसी तरीके से हम दोनों तरफ कर लेंगे और अब यहां से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरीके से टक्स पॉइंट तक हम सिलाई लगाएंगे और इसके बाद हम इसे निकाल देंगे। तो हमने दोनों तरफ सिलाई लगाकर इसे रेडी कर लिया है और अंदर से ये इस तरीके से दिखेगा। अब हम मेन फैब्रिक में टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे और टक्स लगा देंगे जैसे हमने अस्तर में लगाया था। इसके बाद हम दोनों पार्ट्स की सीधी साइड को अंदर की तरफ रखेंगे, नीचे की तरफ और नेक पर सिलाई लगाकर इसे पलट देंगे और फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो हमने फ्रंट के पार्ट में टक्स लगाकर और सिलाई लगाकर इसे पलट दिया और फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम इसका शोल्डर ज्वाइंट करेंगे बैक पार्ट को इस तरीके से रखकर। तो शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद अब हम इसमें स्लीव ज्वाइंट करेंगे। तो फ्रंट के लिए हमने गोलाई नहीं दी थी तो इस तरीके से हम फ्रंट की गोलाई देंगे। और इसके बाद स्लीव को अटैच करना शुरू कर देंगे यहाँ से। हमने स्लीव्स जॉइंट कर ली है, अब इसी तरह हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे। तो हमने दोनों तरफ स्लीव्स जॉइंट करके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी फिटिंग कर दी है और इसमें ये डोरी लटकन लगा दिया है। अब हम नीचे की तरफ ये वाला लेस अटैच कर देंगे और हमारा ब्लाउज रेडी हो जाएगा। इस तरीके से हम राउंड में इसे जोड़ देंगे।
हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।